स्वागत करना चाहूंगा माननीय बाबू सामने सामने सब लोग सामने देखो हाथ सब ऊपर हाथ कर इस तरह से अपने कैंडिडेट खड़े करने वाले पहली सभा जो है थाना में ली। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी की शुरुआत लगभग 3 साल हो गए किया है। हम लोगों का जो मकसद है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, साउथ की जो एक मेन नारा है, जो मेन चीज़ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारी पार्टी की ये चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो सरकारी नौकरी में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या यूनिवर्सिटी में हो, या जो सरकार का जो बजट लोकेट होता है उसमें हो, जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से सरकार को भागीदारी देनी चाहिए। इस विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन 3 साल पहले किया है। अभी हम लोगों ने थोड़ी शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरुआत की, थोड़ी सी राजस्थान में, और उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र में शुरुआत की है, बिहार में शुरुआत की है, 4-5 प्रदेशों में हम लोगों ने शुरू किया है। आज हमारी पहली सभा है आपके बम्बई में। हम लोग इसी कोशिश में हैं कि हमारी जितनी ज़्यादा तैयारी हो जाए महाराष्ट्र में, और जितनी जगह हमारी तैयारी हो जाएगी उतनी जगह हम लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। अंदाज कितने कैंडिडेट खड़े करने वाले और कौन कौन से मुद्दे को लेकर खास करके अपने साथियों से बात करके, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट शिवराज गुंजल जी हैं, हमारे सुषमा महोदय जी हैं, जोशियोज जी हैं, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं। बहुत जल्दी मैं महाराष्ट्र स्टेट की जो कार्यकारिणी है, जो जिले के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठने वाला हूँ और उनसे विचार विमर्श करके कितने जिलों में हम लोगों ने तैयारी कर ली है और अपनी तैयारी को देख करके हम लोग कैंडिडेट करेंगे। सर, किस तरह से आपका जो है, कौन से मुद्दे को लेके आप खास करके इस चुनाव में खड़ा होने वाले हैं? मुद्दा तो आपको पहले बता दिया शुरुआत, हम चाहते हैं, जैसे आपके अगर मैं महाराष्ट्र हूँ तो यहाँ पर लगभग 13,000 प्राइमरी स्कूलों को, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय थे, उनको बंद कर दिया गया। सरकार यहाँ की चाहती है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गरीबों को, मजदूरों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि जो स्कूल बंद हुए हैं उनको पुनः खोला जाए, और अलग से जो हमारी आबादी बढ़ी है, बस्तियाँ बढ़ी हैं, उनमें भी सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाएँ ताकि हम सबको शिक्षित कर सकें। और हमारा ऐसा सोचना है कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू होना है। तो गठबंधन को देख के किस तरह से देख रहे हो और उसके साथ जाना चाहोगे क्या, या मायावती या किसी खुद से गठबंधन, कांग्रेस या महाराष्ट्र में कहाँ है सपा बसपा? महाराष्ट्र में जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे वो भी काम करते हैं, तो थोड़ा पहले उन्होंने शुरू किया, हम थोड़ा बाद में शुरू किया, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। हम लोग अभी शुरुआत किए हैं भैया, हम अपनी तैयारी को देख करके जो हमारे विचारों से सहमत लोग होंगे, अगर ऐसे कोई हमसे बात करेगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।